राजनीति के जमे जमाए गढ़ आम आदमी के नाम पर राजनीति करने उतरे शख्स की हिम्मत से धड़कने लगे। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल के लिए दिल्ली की विधानसभा से संसद की लोकसभा तक पहुंचने के रास्ते में तमाम दुश्वारियां हैं। पहले स्याही फेंकी गई, काले झंडे दिखाए गए, अब उनको एक सिरफिरे ने मुक्का भी मारा। हरियाणा के चरखी दादरी में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। हमला करने वाले शख्स ने बेहद करीब से केजरीवाल पर घूंसा चला दिया। हमला करने के तुरंत बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई की। केजरीवाल ने कहा है कि हमले के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक सनकी लड़के के गुस्से का शिकार हो गए। हमलावर युवक ने अरविंद केजरीवाल को चाटा जड़ दिया। ये चाटा केजरीवाल की रैली के दौरान मारा गया। अचानक एक आदमी ने आगे मेरी गर्दन पे बहुत तेज मुक्का मारा। ये घटना आम आदमी पार्टी के रोड शो के दौरान हुई, जब एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की ओर बढ़ा। केजरीवाल उस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी शख्स ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। जश्नदीदों के मुताबिक धीरे धीरे युवक केजरीवाल के करीब आया और गले पर थप्पड़ जड़ दिया। जो भी लोग हैं, जगह जगह पता चला बीजेपी वाले करा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग करा रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मुझे नहीं पता ये कौन था, मेरे पास कोई इसका। हमला करने वाले शख्स को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तुरंत काबू में ले लिया और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमलावर की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान केजरीवाल हमलावर को छोड़ने की अपील करते रहे। हमले के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर इस घटना की जानकारी दी, साथ ही आप कार्यकर्ताओं को हिंसा ना करने की अपील की। केजरीवाल ने लिखा, किसी ने मेरी गर्दन पर जोर से वार किया, हमें उनसे इसी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। ऐसे लोगों का सही चरित्र सामने आ गया है। कसम खाओ, कभी लाठी नहीं चलाओगे, चाहे कितना बुरा हमला क्यों ना हो। मैं काफी कहता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तैश में आके उन्होंने उसको काफी पीटा। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और उसके बाद मैंने सारे सपोर्टर्स को कहा कि कसम खाओ तुम लोग कि अगर भविष्य में भी ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होता है, चाहे मेरे ऊपर हमला हो, चाहे किसी के ऊपर हमला हो, चाहे कितना बड़ा हमला हो, हम हमलावर को बिल्कुल नहीं मारेंगे। क्योंकि अगर हमने हिंसा करनी चालू कर दी, चाहे अपनी तरफ से चाहे रिएक्शन में, तो फिर यह आंदोलन नहीं बचेगा। यह आंदोलन तो अहिंसा और सत्य सच्चाई इसी के ऊपर आधारित है, ये खत्म हो जाएगा। केजरीवाल हरियाणा के चरखी दादरी में एक रोड शो को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले केजरीवाल पर वाराणसी में स्याही फेंकी गई थी। गुजरात दौरे के दौरान अनजान लोगों ने केजरीवाल की गाड़ी पर हमला कर दिया था। इस हमले में उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया था। केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के एक और नेता योगेंद्र यादव पर भी स्याही पोत दी गई थी। पुलिस ने हमला करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी लड़के से पूछताछ कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि केजरीवाल पर हमला करने वाला शख्स अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी था इस हमले में शामिल। अनुराग ढांडा, चरखी दादरी, आज तक। केजरीवाल का विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ विरोध उग्र होता जा रहा है, उसे केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। एक महीने से भी कम समय में केजरीवाल पर 3-3 हमले हो चुके हैं। कभी कार पर हमला, कभी स्याही की काले, और अब थप्पड़। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे केजरीवाल पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले केजरीवाल को गुजरात दौरे में हमले का सामना करना पड़ा। उनकी कार के शीशे को तोड़ा गया, काले झंडे दिखाए गए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी का काम है। इसके बाद वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद जब केजरीवाल वहां पहुंचे तो रोड शो में उनके काफिले पर स्याही फेंक दी गई। एक बार फिर आरोप लगा बीजेपी पर। मैं गुजरात गया तो नरेंद्र मोदी जी के लोगों ने वहां पे हमें जगह जगह काले झंडे दिखाए,
चार बार हमारे ऊपर हमला किया, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताओ हमने कोई भ्रष्टाचार किया था? हमने क्या गलत काम किया था? मैं यहां पे आया तो मोदी जी के भाड़े के लोगों ने फिर से हमें काले झंडे दिखाए, हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। लेकिन इस बार केजरीवाल पर कांग्रेस की सरकार वाले हरियाणा में हमला हुआ और पहले से ज्यादा उग्र। खुद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने माना था कि केजरीवाल को खतरा है और उन्हें गुप्त तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन हाल के हमलों को देखकर ऐसा नहीं लगता। वैसे केजरीवाल खुद भी कोई सुरक्षा लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सफर अभी बाकी है और केजरीवाल के कई रोड शो अभी होने बाकी हैं। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा की लड़ाई वजूद की लड़ाई है, इसीलिए वो काशी से लेकर कुरुक्षेत्र तक अपने प्रचार के लिए रोड शो का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। वाराणसी में मोदी से मोर्चा ले रहे हैं तो अब 3 दिन के मिशन पर हरियाणा में हैं। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर एक साथ निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक युवक ने उन्हें मुक्का मार दिया। सोलहवीं लोकसभा में आम आदमी का दम दिखाने केजरीवाल निकल पड़े हैं हरियाणा की डगर पर। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में केजरीवाल अब हरियाणा में माहौल बना रहे हैं और रास्ते में कांग्रेस और बीजेपी को कोसते चल रहे हैं। हुड्डा जी ने, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसानों की जमीनें छीन छीन के और रॉबर्ट वाड्रा को दे दी, जो कि सोनिया गांधी जी के दामाद हैं। उन्होंने जमीनें छीन छीन के मुकेश अंबानी को दे दी। रॉबर्ट वाड्रा के का खुलासा मैंने किया था 1.5 साल पहले, बीजेपी ने नहीं किया था। बीजेपी यहाँ मिली हुई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा के साथ। 2009 में कांग्रेस ने हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों में से 9 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार केजरीवाल कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। केजरीवाल ने हरियाणा में 3 दिन तक प्रचार करने का फैसला किया है। केजरीवाल ने रोड शो की शुरुआत हरियाणा में झज्जर के बादली से की। काशी में नरेंद्र मोदी को ललकारने के बाद केजरीवाल बादली में भी मोदी पर बरसे। मैंने जनता के सामने रखा कि किस तरह से गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि देश में गैस के दाम 3 गुने कर दिए जाएं। अगर गैस के दाम 3 गुने हो गए देश के अंदर, यही गैस खाद बनाने के काम आती है, बिजली बनाने के काम आती है, भारी महंगाई हो जाएगी। गैस के दाम 3 गुने क्यों किए जाएं? मुकेश अंबानी के गैस के कुएं हैं, मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे मैंने वो चिट्ठी दिखाई, तुरंत मोदी जी बौखला गए हैं, पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मैं AK-49 हूँ। अरे मोदी जी, गैस के दाम के बारे में तो बताइए, उसका जवाब नहीं देंगे, केवल ऊटपटांग की बातें करते हैं। आपके उम्मीदवार योगेंद्र यादव गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल हरियाणा में आपको मजबूत बनाने के लिए सड़कें नाप रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल धुआंधार रोड शो पर निकले हुए हैं। 3 दिन के लिए हरियाणा में उनके रोड शो का प्लान है। इसी दौरान चरखी दादरी में एक युवक ने उनकी गर्दन पर घूंसा मारा। राहत की बात यह रही कि केजरीवाल को कोई चोट नहीं आई, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा इंतजाम को बार बार ना कहने वाले केजरीवाल क्या अब इस पर विचार करेंगे? पहले स्याही फेंकी, अब मुक्का मारा। आखिर केजरीवाल पर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? ऐसे हमलों के पीछे साजिश किसकी है? क्या यह आम आदमी पार्टी के असर का अंजाम है या फिर राजनीति का कोई और खेल? चरखी दादरी में जो कुछ हुआ उसके बाद केजरीवाल के समर्थकों ने मुक्का मारने वाले की पिटाई कर दी। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी। हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सपोर्टर्स ने जो उसको पीटा वो बहुत बुरा हुआ। मैं काफ़ी कहता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तैश में आके उन्होंने उसको काफ़ी पीटा। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। केजरीवाल की सुरक्षा पर खतरा है, खबर आई थी कि खुफिया एजेंसियों ने भी इसके बारे में आगाह किया है, फिर भी केजरीवाल सुरक्षा लेने से बार बार इनकार करते रहे हैं। लेकिन बार बार होते हमलों के बाद ये सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल आगे भी सुरक्षा लेने से इनकार करते रहेंगे? आज तक ब्यूरो।